ये देखिए, बिल्कुल नए फ्लेवर का ऑरेंज ट्रफल केक। इसे देखकर कोई यकीन नहीं करेगा, केवल 4 मेन चीज़ों से इतना बढ़िया, इतना सुंदर केक बना है, और वो भी बहुत ही सॉफ्ट, स्पंजी और मॉइस्ट। रेसिपी के साथ में ही मैं आपको डेरी मिल्क चॉकलेट से गनाच बनाना भी बताऊंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। केक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पतीला रखा है। इसमें नमक, पानी बिना कुछ डाले बस एक स्टैंड रखकर ढककर इसे 10 से 12 मिनट लो मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट होने देना। यहाँ पर आप चाहो तो एल्यूमिनियम की कढ़ाई या कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब अगर आपके पास ऐसा केक टिन है एल्यूमिनियम का तो वो यूज़ करना, नहीं तो इस तरीके का कोई एल्यूमिनियम का डिब्बा भी चलेगा। और ये भी ना हो तो आज मैं आपको स्टील के डिब्बे में केक को बेक करना बताऊंगी। ये देखिए, ये मेरे कुकर का डिब्बा है। इसमें बस एक प्रॉब्लम है, ये लाइन, इसकी वजह से केक इसके अंदर जाकर डीमोल्ड करते समय थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो ना हो इसलिए हम क्या करेंगे, डिब्बे के अंदर नीचे साथ में ही साइड में भी तेल लगाकर पहले एक पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर नीचे रख देना। साथ में ही साइड से भी बटर पेपर लगाने से गैप के अंदर बैटर नहीं जाएगा और केक इजीली डीमोल्ड भी होगा। अब इजी ऑरेंज ट्रफल केक बनाने के लिए मैंने ये बाउंस का ऑरेंज क्रीम बिस्किट लिया है। अराउंड 80 ग्राम का पैकेट है ये, तो 3 पैकेट मिलाकर लगभग 240 ग्राम है। तो मैं ये 3 पैकेट और 4-5 बिस्किट एक्स्ट्रा लूँगी। अब मैंने ये बिस्किट लिए है, पर आप आपके चॉइस से कोई भी ऑरेंज फ्लेवर्ड क्रीम बिस्किट यूज़ कर सकते हो। ऐसे छोटे पैकेट है तो फिर आपको 6 या 7 लेने होंगे। पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से इन सारे बिस्किट को एक बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए, ये एक्स्ट्रा 4 टाइगर बिस्किट है। अब हम इन्हें ऐसे ही या फिर थोड़ा सा तोड़ कर एक मिक्सिंग जार में डाल देंगे और अच्छे से ग्राइंड करेंगे। आप चाहो तो ग्राइंड करते समय ही इसमें दूध डाल सकते हो, या फिर इस तरीके से पहले बाउल में इस बिस्किट पाउडर को निकाल लेना और फिर 1 कप में से थोड़ा थोड़ा दूध इसमें डालकर मिलाते जाना। बस ध्यान रखना इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे। चलिए, बचा हुआ दूध भी इसमें डालकर मिला देंगे। दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा पर बिल्कुल अलग फ्लेवर का केक है ये, जिसे कोई भी इजीली फॉलो कर सके, बच्चे भी बना लेंगे। तो बस आपको दूध और बिस्किट को अच्छे से मिलाना है, और जब ये इस तरीके से अच्छे से मिल जाए तब हम इसमें डालेंगे इनो फ्रूट सॉल्ट। ग्रोसरी या मेडिकल शॉप में भी ये बहुत इजीली मिल जाएगा आपको। आपने बस इसे खोलना है और पूरा का पूरा 5 ग्राम इनो इसमें डाल देना। थोड़ा सा जो दूध हमने बचाया था उसे इस पर डालकर बैटर के साथ मिला देना। हाँ, पर बहुत ज़्यादा न फेंटना इसे। जब ये मिश्रण में अच्छे से मिल जाए तो ग्रीस किए हुए अपने स्टील के डिब्बे में बैटर को पोर करना और थोड़ा सा हिलाकर अच्छे से टैप करके इसे प्रीहीटेड पतीली के अंदर रख देना। टिन हमने स्टील का यूज़ किया है, पर दोस्तों ध्यान रखना, ये बाहर का जो पतीला हम बेकिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं ये हमेशा एल्यूमिनियम का ही हो, स्टील का पतीला जल जाएगा। अब कढ़ाई लो, कुकर लो, जो भी हो एल्यूमिनियम का ही हो, ठीक है। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से फूला है केक। करीबन 30 मिनट के बाद जब मैंने इसे चेक किया तो टूथपिक में ये बिल्कुल भी नहीं चिपका है। तो फ्लेम को बंद कर देना और ठंडा होने के बाद पहले नाइफ से साइड से लूज करके एक प्लेट में इस तरीके से इसे डीमोल्ड करना। ये देखिए, स्टील का डिब्बा है तो हल्का सा यहाँ पर ऐसे कलर चेंज हुआ है इसका, बस इतना सा ही प्रॉब्लम होता है और ये बाद में इजीली निकल भी जाता है। देखिए, केक भी बहुत अच्छे से डीमोल्ड हुआ है, काफी हल्का और सॉफ्ट भी है ये, कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है। अब हम क्या करेंगे ना, इसके टॉप का थोड़ा सा पोर्शन हटा देंगे ताकि ये शुगर सिरप को इजीली एब्जॉर्ब कर सके। ये देखिए, और अब हम इसे 2 लेयर्स में काटेंगे। ये लेयर्स रेडी है, अब इसे साइड में रखकर चलिए फ्रोस्टिंग की तैयारी करते हैं। तो ये मैंने लिया है मोर्डे का डार्क कंपाउंड चॉकलेट। आप दूसरे किसी भी कंपनी का डार्क कंपाउंड इस्तेमाल कर सकते हो, या अमूल का डार्क चॉकलेट भी यूज़ करो तो चलेगा, या सिंपली आप डेरी मिल्क से भी गनाच बना सकते हो, कैसे वो भी देखेंगे आगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहना।
यहाँ पर इस कंपाउंड चॉकलेट को मैंने इस तरीके से काट कर लिया है ताकि ये जल्दी से और इजीली मेल्ट हो जाए। अब इसे गर्म पानी के पतीले पर रखकर इसमें ये पूरा का पूरा आधा कप और ये एक बड़ा चम्मच दूध डाल देंगे और बस अच्छे से मिलाएंगे इसे। अगर आप इसे और रिच बनाना चाहते हो तो दूध की जगह फ्रेश क्रीम या व्हीप क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके लिए आप चाहो तो मेरा चॉकलेट ट्रफल केक का वीडियो रेफर कर सकते हो। और अब ये देखिए दोस्तों, चॉकलेट पूरी तरह से मेल्ट हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे ना, इसमें एक से दो बड़े चम्मच बटर डाल देंगे। वैसे बटर डालना भी ऑप्शनल है, पर बटर से इसमें काफ़ी अच्छा ग्लो और अच्छी टेस्ट भी आएगी। तो बटर को मिलाने के बाद फ्लेम को बंद कर देना और ये अपना बहुत ही टेस्टी डिलीशियस चॉकलेट ट्रफल बनकर तैयार है। अब हम इसमें से थोड़ा सा चॉकलेट गनाश एक बाउल में निकाल लेंगे। इस बाउल को किचन टॉप पर ही रखना और इस बचे हुए चॉकलेट गनाश को सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। जब तक ये सेट हो जाए, चलिए केक को सजाने के लिए कुछ चॉकलेट टॉपिंग्स बनाते हैं। ये टॉपिंग्स मैं मेरे हिसाब से बना रही हूँ, आप चाहो तो सिंपली केक को चेरीज या फिर स्प्रिंकलर से भी डेकोरेट कर सकते हो। तो टॉपिंग्स बनाने के लिए मैंने ये कुछ व्हाइट कंपाउंड को काट कर लिया है। डबल बॉयलर मेथड से मतलब गर्म पानी के पतीले के ऊपर रखकर इस तरीके से इसे मेल्ट कर लेना। 2-3 मिनट में जब ये इस तरीके से अच्छे से मेल्ट हो जाए, तब इसमें थोड़ा सा येलो जेल कलर और थोड़ा सा रेड जेल कलर डालकर इसमें ऑरेंज कलर का चॉकलेट बनाएंगे। सेम वैसे मैंने कुछ डार्क कंपाउंड को मेल्ट कर लिया था। इसे पाइपिंग बैग में भरकर बटर पेपर या किसी प्लास्टिक के पेपर शीट पर इस तरीके से डिजाइन बनाएंगे। थोड़ा सा इसे सेट होने देंगे। 4-5 मिनट के बाद जब ये थोड़ा सा सूख जाए, तब ये ऑरेंज कलर का चॉकलेट इस पर डाल देना। इसे शीट के आधे आधे हिस्से पर फैला कर डाल देंगे ताकि हम अलग अलग पैटर्न के डिज़ाइन बना पाए। ये देखिए, पैलेट नाइफ की सहायता से मैंने इसे अच्छे से फैला लिया है। अब हम क्या करेंगे ना, फिर से 3-4 मिनट इसे थोड़ा सा ट्राई होने देंगे। पूरा ट्राई नहीं करना, पर इतना सुखाना कि ये उंगली में बिल्कुल भी चिपके ना। और इस स्टेज पर हम कुकी कटर से या फिर किसी कटोरी की सहायता से इस पर ऐसे राउंड राउंड निशान लगाएंगे ताकि हम अलग अलग पैटर्न के डिज़ाइन बना पाए। छोटे बड़े आपको जैसे पसंद है मार्क लगाना, ठीक है। या फिर आप इसे ऐसे स्केल की सहायता से, नाइफ की सहायता से आपके मनपसंद शेप में काट सकते हो। मैंने यहाँ पर ये कुछ डायमंड शेप बनाए हैं, आप ट्राइंगल भी काट सकते हो। बस अब आप इसे फ्रिज में 5-10 मिनट सेट होने देना। उसके बाद ये देखिए, अपने आप निकल आएगा ये। आपके आइडियाज से और भी कुछ वेरिएशंस इसमें ला सकते हो। ये देखिए, ऑरेंज केक के लिए बिल्कुल सही टॉपिंग लग रहा है ये। और इतने समय में जो हमने चॉकलेट ट्रफल बनाया था वो भी काफ़ी अच्छे से गाढ़ा हुआ है। अब केक को असेंबल करने के लिए एक प्लेट पर या फिर केक बोर्ड पर थोड़ी सी क्रीम लगाकर इस पर ये केक का बेस रख देना और पहले शुगर सिरप से इसे अच्छे से मॉइस्ट करना। अच्छे से शुगर सिरप लगाने के बाद ये अपना चॉकलेट ट्रफल एक पाइपिंग बैग में भरकर इस तरीके से केक के एक लेयर इस पर लगाएंगे। दोस्तों, ये ऑरेंज केक और चॉकलेट ट्रफल का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है, कुछ अलग फ्लेवर है, आप एक बार जरूर ट्राई करना। चलिए अब ये केक की नेक्स्ट लेयर भी इस पर रख देना और शुगर सिरप से मॉइस्ट करके ये चॉकलेट ट्रफल इस पर भी लगाना। तो केक को ऊपर से, साइड से, हर तरफ से अच्छे से कवर करके इसे हम थोड़ी देर फ्रिज में सेट होने देंगे। ये देखिए, ये जो थोड़ा सा चॉकलेट गनाश हमने निकाल कर किचन टॉप पर रखा था, अब इसे यूज करेंगे हम। तो केक के ऊपर आप इसे इस तरीके से पोर करना, लग रहा है ना बहुत ही टेम्पटिंग। देखो, पहले मैंने केक के सेंटर में इसे पोर करके टॉप को कवर कर लिया और अब साइड में ज़रूरत के हिसाब से चॉकलेट गनाश हम इस पर डालते जाएंगे। और अब ये जो साइड का एक्स्ट्रा का गनाश है, इसे आप स्पून से क्लीन करके एक कटोरी में निकाल लेना और 2-4 मिनट फ्रिज में रखकर फिर चम्मच से थोड़ा सा फेंट कर लो तो आपको मिलेगा ऐसा गाढ़ा चॉकलेट गनाश। इसी को पाइपिंग बैग में भर कर स्टार नोजल की सहायता से हम केक को डेकोरेट करेंगे। नीचे एक ऐसी बॉर्डर ज़रूर बनाना, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा केक, है ना सुंदर।
अब ये जो चॉकलेट गार्निश हमने बनाया था इनमें से कुछ चूज करके केक के ऊपर लगा देना। मैंने एक प्लेन और एक ऐसा डिज़ाइन वाला लिया है, ऊपर की बॉर्डर ऑप्शनल है, आप करना चाहते हो तो करो, नहीं तो ऐसे भी ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। पर मैंने सेम नोजल से ऊपर भी एक बिल्कुल छोटी सी बॉर्डर बनाकर दो चेरीज रखी है इस पर, तो देखिए क्या शान बढ़ गई है इसकी। तो दोस्तों ये रहा अपना 4 इंग्रेडिएंट्स ऑरेंज ट्रफल केक। अब अगर आपके पास ये टार्क कंपाउंड नहीं है तो क्या करें, तो आप इस तरीके से 20-20 रुपीज़ की 3 डेरी मिल्क लेना। इस एक एक का वेट 24 ग्राम है। इन सबको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर एक बाउल में डाल देना। टुकड़े करके डालने से आपको इसे मेल्ट करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, इजीली मेल्ट होगा ये। अब इसमें लगभग 1.5 बड़ा चम्मच दूध डाल देना, थोड़ा सा मिलाकर हम इसे डबल बॉयलर से मतलब गर्म पतीले के ऊपर रखकर मेल्ट करेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा पानी लेना ताकि ये बाउल में नीचे से टच ना हो, और एकदम लो फ्लेम पर चलाते हुए इसे मेल्ट होने देना। ये देखिए बस 2 मिनट में चॉकलेट बहुत अच्छे से मेल्ट हुआ है। अब इसमें थोड़ा सा बटर डालेंगे जिससे इसमें अच्छा टेस्ट और एक बहुत ही बढ़िया सा ग्लो भी आएगा। इसमें थोड़ा सा डार्क कलर लाने के लिए मैं इसमें ये 1/2 चम्मच कोको पाउडर भी डाल रही हूँ, पर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो। बिना इसके भी चॉकलेट गनाश बहुत ही टेस्टी लगता है। तो दोस्तों आप भी ये ऑरेंज ट्रफल केक ज़रूर ट्राई करना, और कैसे लगा आपको ये कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करना। अगर आप मेरी चैनल पर नए हो या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो नीचे का लाल रंग का सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाना, साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक करना जिससे आपको मेरी नए वीडियो के बारे में सबसे पहले पता चलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।